तुम्हारा नाम ना खोटा सिक्का बंसल होना चाहिए था। जितना भी निकालने की कोशिश करो तुम वापस आ ही जाती हो। अब क्या कोई नई खुराफत सोची है तुमने? नहीं, देखो तुमने हमें गलत साबित कर दिया तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हम ना एक आज्ञाकारी पत्नी बन जाते हैं। और हम सोच रहे कि विराट कोहली को बैटिंग सिखा दे। तुम पे दोबारा यकीन करने की गलती नहीं करेंगे हम काव्या। खोटा बंसल, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जा सुनो, स्टोरों में तुमने अपना सामान चेक कर दिया है? हमारा कौन सा सामान है स्टोर रूम में? हमें क्या पता, तुम जानो। हमारा सामान कहाँ है? एंजॉय। आदि, आदि क्या? ये क्या मजाक है आदि, दरवाजा खोलो। अरे हमारी आज्ञाकारी पत्नी, आपने ही तो कहा कि हमारी प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्व करनी होगी, तो कर रहे हैं सॉल्व। अब मिलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बाय बाय। आदि प्लीज प्लीज छोड़ के मत जाओ, प्लीज बाहर निकालो। आदि हनु। अरे अम्मा एक अड़चन आ गई है। अरे अम्मा दिक्कत ये हो गई है कि बिल्लू सिंह जो है वो लखनऊ आ गया है, लेकिन उसको ना प्रेस के सामने आने से घबराहट हो रही है। उसकी ऐसी कित थी, जब मुंह फाड़ के पैसे मांगे थे तब तो बड़ा उधर करा था। उसको बोल दो चुपचाप बयान दे, वरना उसकी ऐसी हालत खस्ता करेगा ना, वापस जाना मुश्किल हो जाएगा उसका। अरे थक गए हैं हम उसको डरा धमका करके, साला हमसे ही नहीं डर रहा है। साले हमको देख के तुमको डर नहीं लग रहा बे? मुझे जो करना था मैं कर चुका, अब मैं किसी के सामने आके कोई झूठी गवाही नहीं देने वाला। देखो डर ही नहीं रहा है हमसे। ए अम्मा सुन, ऐसा है तुम जल्दी आओ, क्योंकि अब तुम्हारा ही बस का है इसको डराना। ये बता, ये बता है कहाँ वो? अरे हम वो घर के बगल में नहीं है गोडाउन, चार गली छोड़ करके। तू जगह के लोकेशन भेज हमें फोन पे, हम आते हैं। हाँ हाँ भेज रहे, पैदल ही आएंगे। ठीक है संजीव, हमें कैसे भी उस बंदे को सामने आने से रोकना होगा। हम जाते हैं। भाई तुम कैसे जाओगे, तुम्हारे पैर में लगे तुम चल नहीं पा रहे हो सही से। तुम एक काम करो, उस संतु को भेजो हमारे पास जल्दी से। ठीक है भेजते हैं। संभल के भाभी जी। संतु, संतु यहाँ पे आसपास कोई गोडाउन है? है भाभी जी, बस 10 मिनट की दूरी पे है। पर आप जाएंगे कैसे? तुमने क्या किया है संतु के साथ? संतु को हमने साड़ी पहनाई है, तब लपक मार लग रहा है हमारा संतु है। ए बिल्लू क्या आपत्ति है तुमको मीडिया के सामने जाने से? अरे हमने एक बार सरकारी ऑफिसर के सामने बयान दे दिया है और मैं किसी भी मीडिया के पत्रकार के सामने नहीं आऊंगा। बस सुन लो, अम्मा को बयान दो आप। काबे काहे नहीं आएगा तू? पैसा दिया हम तुझे और मोटी रकम दिए, खा पी का डकार गया सब। अरे अम्मा जी मुझे माफ कीजिए, अरे मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बीवी बच्चे तेरा हमला। अम्मा 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 तुम अकेले निकली हो या कोई और भी साथ में निकला था? ये एहतियात से निकले पूरे, कोई ना था। पक्का? हाँ। है? हाँ। जी, जी, हाँ ब्याह होगी। है? तू एक काम कर, निकल जा बाहर जा। हाँ? उसको वहीं रोक, अंदर बताने देना। हाँ? और बेहोश कर देना। हाँ भाई एक मिनट एक मिनट, अरे पहले बेहोश करने में भी दवाई को छिड़क ले। एक घंटा लगता है इसके हुए। अब चल इधर पीछे दुबक जा, कोई आवाज दे नहीं चाहिए। चल अरे जा पीछे जाके चुप जा। तू रुक एक मिनट।
का मतलब बड़ी अम्मा के साथ अनुराग भी मिला हुआ है। देखो भांजे, अपनी आंखों से देख लो। अरे अब तो हो गया विश्वास। अब आप एक बार खुद से बताइए कि हुआ क्या था। अरे इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप चुप रहिए। काव्या, तुम चुप रहो। बताइए। देखिए, किसी से डरने की बात नहीं है। हम और अधिराज प्रधान जी दोनों आपके साथ हैं। तो आप ये बताइए कि ब्रिज गोस्वामी की फैक्ट्री में जो गैस लीक हुई थी, उसका असली कारण क्या था? सो जा मेरे प्यारे दोस्त। आप चुप रहिए। बोलिए। अरे बोलिए। हमने ब्रिज सर जी को पूरा रिपोर्ट किया था। मशीन की सारी पाइप खराब है, इसे बदलवा लीजिए वरना मजदूरों की जान जा सकती है। लेकिन ब्रिज सर ने कहा कि अभी इसे मरम्मत करके काम चलाओ, जब कुछ होगा तो हम देख लेंगे, ऐसा सर जी ने कहा था। हमें भी एक गिलास पानी मिलेगा। आप लोग हमें ऐसे काहे घूर रहे हैं? है कौन ही आदमी? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो साहब, मुझे नहीं जानते? मैंने अपने बयान में सब कुछ सच सच बता दिया है। ब्रिज साहब को सब मालूम था कि मशीन की पाइप खराब है, उन्हीं फॉल्टी पाइप की वजह से गैस लीक हुआ और कई लोगों की जान गई। चाहे तो आप म्युनिसिपल ऑफिस से पता कर सकते हैं। आदमी आदमी आदमी, अरे हम तो एक नंबर के भुलक्कड़ है, हमें भी काम था यहाँ पे। तो इसलिए आए थे आप हमारे साथ डूबे के ऑफिस से बयान गायब करने? वो फाइल नीचे गिरा दी और जब हम उठाने लगे तो फाइल से कागज ही बदल लिया। मामा जी, आपने हमें धोखा दिया। आदिम, कैसे आदमी हो यार, तो अपने परिवार से झूठ बोल रहे हो। ए बिल्लू, तुझे अपने छोटे भाई से बढ़कर समझा था और तूने हमारी पीठ पर छुरा भोंका। जीजा जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। कितना समझा थे तुझे हम? कितनी बार मना किया था कि ये गलत काम छोड़ दे, मगर तू अपनी हरकत से बाज नहीं आया। हमारे बेटे के भविष्य जो खेलेगा ना,
दूसरा हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आवाज छोड़िए, छोड़िए घर में नहीं घुसने देना चाहिए था हमें। ठिकाना हमारा घर से। नेताजी आप क्या आग बबूले हो रहे हो हा? अरे आपकी राजनीति कौन सी दूध से धुली हुई है? हाँ मैंने किया घपला, लेकिन जान बूझ के मैंने किसी की जान नहीं ली। पर आदि तुम, अरे हम पे भ्रष्ट होने का लांछन लगाने से पहले अपने अपने बाप को देखो। इस देश के कई नेता अपना इलेक्शन काले धन वाले के पैसे से लड़ रहा है। और लोग लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आधी भी वही करेगा। और करप्शन ना ऐसे नहीं मरता है मामा जी। आप जैसे लोग उस आग में घी डालते हैं और आधी जैसे नेता उसे फैलने से रोकते हैं। हमारा पति काले धन से चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ। आपके वजह से इतने लोगों की जान गई और आपको उस बात का अफसोस तक नहीं, पर हम मासूम लोगों की लाशों पर अपना फ्यूचर नहीं बनाएंगे। भांजे, पर चेक तो बैंक में गया, अकाउंट में पैसे तो आ गए तुम्हारे। अब जब जनता सवाल करेगी कि तुम्हारे अकाउंट में भ्रष्ट ब्रिज गोस्वामी के पैसे आ गए तो क्या जवाब दोगे मेरे प्यारे भांजे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.